ब्रिटिश वीजा प्रणाली में बीते 40 साल का सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है। भारतीय प्रोफेशनल्स को इसका काफी लाभ होगा। दरअसल ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन वीजा के मामले में भारत या अन्य किसी देश के नागरिकों को यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों के नागरिकों के समान ही मानेगा। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे सरकार ने बुधवार को ये घोषणा की, जिसके बाद भारतीय प्रोफेशनल्स में खुशी की लहर दौड़ गई है। Well, he doesn't, and the immigration white paper makes clear that the government, and we're all committed to what we said in the Conservative Party manifesto, which was that we were going to bring net migration down to sustainable levels, and that means not the hundreds of thousands that we've seen in recent decades, and that means the tens of thousands. हर साल भारतीय पेशेवर नियमों की वजह से ब्रिटेन नहीं जा पाते हैं, लेकिन अब वीजा नियमों में बदलाव के बाद ब्रिटेन में और ज्यादा भारतीय प्रोफेशनल्स को काम मिल पाएगा। इसे ब्रिटिश वीजा प्रणाली में बीते 4 दशक का सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। गृह सचिव साजिद जावेद ने एक श्वेत पत्र का ऐलान किया, जिसमें कुशल प्रवासियों के लिए एक नया वीजा मार्ग और कार्य परमिट के लिए सालाना 20,700 की सीमा खत्म करने के प्रस्ताव हैं। With permission, Mr. Speaker, I would like to make a statement about the UK. We value hugely the contribution that you have made to this country. Deal or no deal, we want you to stay and we will protect your rights. The future system is about making sure immigration works in the best interests of the UK. We are absolutely not closing our doors. We are simply making sure that we have control over who comes through them. साथ ही मंत्री जावेद ने कहा कि किसी संभावित प्रवासी के मूल देश की बजाय उसके कौशल पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आव्रजन हमारे देश के लिए अच्छा है। And fundamental to this will be a new route for skilled workers to ensure that employers can access the talent that they need to compete on the world stage. There will be no cap on numbers and no requirement for the high-skilled workers to undertake a resident labour market test, and there will be a minimum salary threshold. The MACT to keep this scheme under review so that it ensures a smooth transition. बता दें कि ब्रेक्जिट के बाद यूरोपीय संघ के प्रोफेशनल्स और कम कुशल कर्मियों को ब्रिटेन आकर काम करने का स्वचालित अधिकार नहीं होगा। फिलहाल यूरोपीय संघ के नागरिकों को ये सुविधा हासिल है। यदि ब्रेक्जिट की सभी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं, तो ये प्रस्ताव साल 2021 से लागू होंगे। इन प्रस्तावों से भारतीय प्रोफेशनल्स को लाभ मिलने की संभावना है।